हेलो एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश बॉटरी प्लस इंडिटारो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेरीज देखेंगे, जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके लिए क्या चाहते हैं या आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस पर्सन के पर एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या फील कर रहे हैं। राइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में जो जगल कर रहे हैं, जिगजैग कर रहे हैं। हालांकि उनके पास दो दो अपॉर्चुनिटी हैं, लेकिन वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लव रिलेशन की तरफ जाना चाहिए या जॉब बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। तो वो इसमें वो थोड़ा सा डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जगलिंग फेज में थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, तो चाहे उसमें चाहे सामने वाले को दुख हो या उन्हें खुद दुख हो, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो रुकावटें सारी ख़त्म होंगी और वो उन दिनों को, उन पास्ट वाले दिनों को या फिर पास्ट वाले हिस्ट्री को, उस रिलेशन को याद करना चाहते हैं जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छे पल, अच्छे क्षण बिताए हैं। उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को ताज़ा करना चाहते हैं जो उन्होंने एक साथ पार्टीज़ वगैरह में गए हैं, पिक्चर्स वगैरह में गए हैं, या कहीं भी एक दूसरे के साथ अच्छा क्षण स्पेंड किया है। तो उन यादों को ताज़ा करते हुए वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो एक वो उनके लिए अपने एक्वेरियस के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या फिर एक्वेरियस उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, फिर से इस रिश्ते में सुधार आ सकता है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं या आपके लिए क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आपके पर्सन क्या चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिक। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो स्वॉर्ड्स जो क्रॉस मार्क पर है, वो ना तो अपने पास्ट के को बुला पा रहे हैं, ना तो फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर पा रहे हैं। कभी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी पास्ट में चले जाते हैं। तो वो इसलिए वो क्रॉस मार्क पर रुके हुए, ठहरे हुए हैं। तो और उन्हें हालांकि उनके पास और ऑफर हैं, और अपॉर्चुनिटी हैं, यूनिवर्स उन्हें और अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें उस चीज़ का पता ही नहीं है, वो उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सैड हैं, सैडनेस है उनके अंदर, वो उदासी है, वो उसी पल का वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब गुड न्यूज़ मिलेगी और कब वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस आएगा। तो उन चीज़ों को, लेकिन वो इस क्रॉस मार्क से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके वो चाहते हैं कि आप इस क्रॉस मार्क से पीछे हटें, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें, आंखों से पट्टियां खोलें, ताकि ये हालांकि और ताकि आप उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल सकें, उस एंजाइटी से, उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, जो जिससे यूनिवर्स ही आपको नई अपॉर्चुनिटी के साथ या दिखाना चाहते हैं कि आपके पास, आपकी लाइफ में सब कुछ है, प्यार और प्रेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हें देखने की ज़रूरत है, एहसास करने की ज़रूरत है, और दिल और दिमाग से ले काम लेते हुए क्लैरिटी के साथ और ट्रुथ के साथ, सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे
इस सैडनेस को छोड़ते हुए, इस उदासी को छोड़ते हुए क्रॉस मार्ग से सोच विचार करके अगर दो कदम आगे बढ़ाएंगे तो जो दुख के बादल हैं, जो ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें हैं या चैलेंजेस हैं, वो शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती हैं, उनको फेस करना पड़ सकता है, लेकिन आगे अगर बिना किसी माइंड गेम, बिना किसी मैनिपुलेशन के एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, तो उनके पास सभी सोर्सेज हैं, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन और जिस चीज़ के लिए वो लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी उनकी दिली तमन्ना है, विश फुलफिलमेंट है, कहीं ना कहीं अगर माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेशन नहीं करेंगे और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ ये डिसाइड करेंगे कि चाहे कॉम्प्रोमाइज़ करने में, चाहे जो है थोड़ा सा समय और वक्त क्यों ना लगे, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे तो उनकी दिली तमन्ना पूरी जरूर होगी। ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना पूरी हो और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से ये रिश्ता क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े, ये कन्फ्यूज़न, ये सैडनेस, ये उदासी खत्म हो और इस क्रॉस मार्ग से वो पीछे हट सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उनकी वो अपने आप को अकेले, उन्हें अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए, उनके प्रेश उनको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो रिश्ता ख़त्म हो गया, जो प्यार ख़त्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ वो उसको देख रहे हैं, लेकिन वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे तो अभी भी उनकी लाइफ में काफ़ी प्यार और प्रेम है, अभी भी चीज़ें पहले की तरह धीरे धीरे करके ठीक हो सकती हैं, वो बाधाएँ, वो रुकावटें, वो ख़त्म हो सकती हैं, और अगर वो सही समय आने का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करेंगे तो धीरे धीरे करके ये वक्त आने पर ये रिश्ता हैप्पीनेस, इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं। और इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि जैसे जिसने जो कर्म कांड किया है, अगर वो महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, अगर कोई ऐसी मिस्टेक नहीं की है कि जो उन्हें फेस करनी पड़े, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ उनके साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से माफ़ी मांग सके, छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दे और इस ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सके, जस्टिस हो सके और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर उन्होंने ऐसा कुछ गलत किया है जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, तो वो यूनिवर्स से उनको माफ़ ना करे, वो इस रिश्ते से मुँह मोड़ कर लाइफ में आगे बढ़ जाए, तो उन्हें इस चीज़ में माफ़ी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जिसने जो कर्म कांड किया है उसी के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स ये उनको फल देंगे। ये जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि जैसा जिसने जो कर्म किया है उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलेगा, जिसने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा और जिसने गलत किया है तो वो बच नहीं सकता। तो वो महसूस कर रहे हैं कि छोटी मोटी अगर दिक्कतें हैं तो कोर्ट कचहरी के मैटर से उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए बाहर निकलना चाहिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां आ सके, हैप्पीनेस हो सके रिश्ता। अब देखते हैं वो उनसे, अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, अभी आप उनके लिए ऐसा फील कर रहे थे, सोच रहे थे, या फिर आप अपने दर्द को बुलाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल और हैप्पीनेस बनाना चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जजमेंट, डेथ, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स। तो आप अपने पर्सन से भी सेम यही चीज़ चाहते हैं कि उन्हें हर हाल में उन्हें जस्टिस मिले। अगर उन्हें उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो जो इस ये रिश्ता नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहा है, जो ओवरथिंकिंग इस रिश्ते में हो रही है, तो उन हो सकता है कि वो सारी चीज़ें, वो ऑब्स्टिकल, वो बाधाएं ख़त्म हों और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और उन्हें इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिले, फिर से रिश्ता न्यायप्रिय हो
सके, और अगर वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं जो उस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो अगर उनको बदलेंगे तो ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा, जस्टिस मिलेगा, खुशहाली आएगी और धीरे धीरे करके रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन में रिश्ता फिर से तब्दील हो सकता है। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हों और नए सिरे से उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाएं, जस्टिस हो इस रिश्ते में और किसी के साथ कोई भी अन्याय इस रिश्ते में ना हो, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर कड़े मुद्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं कुरेदते तो मेल मिलाप हो सकता है और फिर से एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो बाधाएं, जो रुकावटें, जो ऑब्स्टिकल आए हैं वो ख़त्म होंगे और जिसके लिए वो दिलो जान से मन्नत मांग रहे थे, विश मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो विश उनकी पूरी होगी। अगर वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो रिश्ता ख़त्म हो सकता है, और अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, तो रिश्ता में रीयूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, जैसा वो चाहते हैं वैसा ही इसमें होगा। अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है, कुछ गलत नहीं किया है, तो जो भी कोर्ट कचहरी के मैटर थे उनमें सुधार होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रह सकता है, एक्वेरियस के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक द फूल, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें या तो एक्वेरियस आप, या तो आपके पर्सन थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, उनको लगता है थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में वो स्टैंड लेंगे आप, तो क्योंकि तकलीफ दोनों तरफ से हुई है, ना तो एक्वेरियस की तरफ से हुई, ना तो उनके पार्टनर की तरफ से हुई, दोनों तरफ से ही इस रिश्ते में वाद विवाद हुआ है, एंजाइटी स्ट्रेस हुआ है, जिससे दोनों ही परेशानी और तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और मिले, ये रिश्ता उनको एहसास हो रहा है, इसका आउटकम बता रहा है कि ये मीन्स रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, और वो इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन, एक दूसरे के साथ खुशियां सेलिब्रेट करना, गेट टुगेदर करना, या एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पार्टी, डिनर या लंच, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करना, ताकि जो भी गिले सिकवे, जो भी प्रॉब्लम, जो भी ऑब्स्टिकल, जो भी बाधाएं हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और ये रिश्ता फिर से रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सके, या फिर कह सकते हैं कि ये रिश्ता आगे जाके सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, सोलमेट बन सके, जन्म जन्मांतर का रिश्ता में बन सकता है, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते को प्यार और आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों को स्टैंड लेने की ज़रूरत है और ये रिश्ता आगे, अगर वो एक दूसरे के साथ अपने बाधाओं को, अपनी दिक्कतों को शेयर करेंगे तो ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड होगा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनेगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स ही आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नई सोच, नई उमंग, नए सवेरे के साथ, अगर आप पुरानी बातों को भुलाते हुए, उन्हें गिले सिकवे, जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं उनको ख़त्म करते हुए एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ चैटिंग करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो बाधाएं, जो रुकावटें थी वो ख़त्म होगी, वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इसमें अगर आप जहाँ आप काम करते हैं, कोई क्लिक, कोई बॉस या फिर जो भी वहाँ पर काम करने वाले हैं, उनका सहारा लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, या किसी सुपीरियर, किसी
गुरु किसी एल्डर की, किसी बड़े भाई बहन की, किसी बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, तो जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता थम चुका है, तो नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं। तो ये रिश्ता, जो लोग अगर वो डाइवोर्स ही चाहते हैं इस रिश्ते में, तो नए सिरे से अगर बिगनिंग शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, अगर वो इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है और नए सिरे से एक बिगनिंग एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ माइंड हो सकता है, पीस मिलेगा, हारमोनी मिलेगी, सुख शांति मिलेगा, काफ़ी जो है फेम, नेम और फेम इस रिश्ते को मिलेगा, और हो सकता है कि ये जो है इस रिश्ते में जो भी रुकावटें आई हैं, हो सकता है कुड बी, या तो आप फौरन में रहते हैं, या तो आपके पार्टनर फौरन में रहते हैं, या फिर आप में से कोई फौरन में जाने का कोशिश कर रहा हो और ये डिस्टेंस जो है लॉन्ग डिस्टेंस रहा है आप दूसरे के बीच में, तो इस वजह से भी इस रिश्ते में ये बाधाएं रुकावटें आई हैं। लेकिन अगर आप इसमें आगे बढ़ेंगे, एक नया चैप्टर नए सिरे से शुरुआत करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के, तो सही समय आने पर धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, नेम ऑफ फेम मिलेगा, हारमोनी मिलेगी, पीस मिलेगा, सुकून शांति मिलेगा और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।